करो मेरे को ये बोलो, ऐसे करो बेटी को समझा तो दामाद क्या करो ना, फिर चार शादियाँ कहाँ बन रहा हो, यही है ना मुल्ला का मैं बना रहा तो खाली करो यहाँ से ख्याल में रखते रहे दो। अगर मेरे घर के नौजवान में गाल बोल दो, हम बोल के करे सब जने। अरे क्या बोल के करे जी, और ये बच्ची की जिंदगी खराब कर देते, बोल के करे क्या गांडू है हमारा बेटा, बोल के करो, बोल के कर रहे हैं। कौन देता है तो कहीं भी माँ नहीं करती, कहीं मेरे भवन और बच्चा तुम्हारे में कौन है, क्या बोल के गया लगा, नहीं नहीं बोला, क्या बोल के गए तुम्हारे को नहीं मालूम है बच्चे में कमजोरी है, बल्कि मालूम है नहीं है, हक बोलो अल्लाह को हाजिर मार दी जान के बोलो, अल्लाह को निकालो बाहर, कोने पोछा करा के करा बोले जी ले जाओ उसको बच्चा, मां की छू टांगा तोड़ दो छिनाल के ऊपर बच्ची ने देना करा मान लो, बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं, फोन कर ले रहा हूं, चार चार गाड़ियां निकालो, मैं करता हूं, मैं बताता हूं सही बोले क्या तुम, सही बोले क्या उनको, बच्चे की चौथी शादी है, बोले इतना जी अम्मा बोले कौन ठहरे हुए, पूरे बस्ती वाला ठहरे हुए, कौन कर रहा था यहाँ पूरे बस्ती वाला ठहरे हुए, हमारे 27 वाले कौन ठहरे हुए, बच्चे वाले करे नहीं, कालीगढ़ वाले इन्होंने बोले, अरे इन्होंने नहीं बोल सकते जी, क्या बात कर रहे हैं करे बोल के बोल रहे ना, वो वाले बोल के भी बुलाए ना, करो बोल के, बच्ची का सामान उतर रहा, नको कराओ बेटा ये घर में शादी, बोले नको कराओ, बोले इतना नहीं बोले पूछी बाजी, फोन करके पूछी भैया सब सही है क्या, मेरे को सुनने में आया मैं अम्मा सब सही है, सामान पहुंचा दिया, उसके बाद पढ़ा क्या नहीं मालूम पड़ा, बोले उसके बाद से पूछो बच्ची के, अभी लोग तीन शादियां करें ना, सुनो तीन शादियां करें ना, कमजोरी है मेरी, काला करता मैं, सुन रहे हैं कि नहीं बच्चे नहीं सही बोलना, गलत को गलत बोलना, पुलिस को छोड़ो जी, अपन दी गया पनिशमेंट है लोगों को, सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना, बड़े में जवाब देना है, पुलिस पुलिस पूछो कहीं को छोटा भाई तुम्हारा किन आ गया, वो पूछो के पास उनके घर में घर जमाई रहना बोले थे, तुम बोले थे एक जना बोला ठीक है, दूसरा जना भी वही बोला, दूसरा जना बोला अलग रहने का है, हमारे साथ में रहने का साथ ही छोड़ा जैसे, अब हमारे साथ ही बोला था ऐसा हुआ था, मैं भाई क्या है असल असल बात जो है कुछ भी नहीं है, सही असल बात कुछ भी नहीं है भैया, कुछ मजाक करें किसके भी साथ, मजाक करने की क्या है, मजाक कई को एक चले गए दो चले गए तीन चले गए चौथी को, फिर इससे पहले तुम्हारी सेकंड शादी की औरत खड़े रहकर चाचा बोल के गई, मालूम है ना पूरी बस्ती, तीनों गली के चाहिए फिर पूरी बस्ती सुनी जो है वो, फिर कहीं को छुटला रहे तुम वो बात को, नहीं नहीं मैं तुम बार बार गलती, और ये गलती मत करो तुम हमेशा, बच्चों की जिंदगी खराब करते तुम, चलो कराओ इनका टेस्ट, चलो कराओ इनका टेस्ट, बात खत्म हो जाती है, वही बोला मैं, वही करूँ ना मैं।
मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हारे को यार, हमेशा हंगामे करके खरीद रहे खाली। अलग रखना बच्चे को, हम अलग रखना, हमारे को गोली लेकर फिरना, हमारे 8 दिन को गाड़ी में लेके जाना, चौथी शादी में बल्कि बोले उसको यहाँ ठहरा करो। अब आनिफ का तो सुबह में बतला। ये है बच्चा, ये बच्चा है, हाँ ये बच्चा है भाई। जान दो अब क्या करने का है। हेलो भाई, तुम्हारे 3-3 शादियां टूट गई। चलो हम ले ले चलो मेरे को बता दो ये वाले कहां अनिल के वाले अनिल के बोले कि जितना बोलो मैंने लोगों को अनिल के बोले कि तुम ना आओ तुम ना आओ धैर्य जी तुम धैर्य तुम धैर्य कर दो। तुम बोलो ना साइकिल कर रहे हो चौथी शादी के जो बच्चे का तुम्हारा वाइल्ड लेवल का मालूम है ना। बच्चा बोला हम जाके उनके अब्बा को बोलते ये जिंदगी खराब हो गई करना जाबू तीन बच्चे भी दे फिर तुल्ला महल्ले में रहने के काबिल नहीं है। बस छोड़ के कहीं तुम क्या कर रहे हो भाई भाई क्या बुरा बोल भाई भाई अम्मा एक मिनट तुम जो करे बोल के नहीं बोल रहे तुम्हारे को तुम बस की बात बोल रहे हो। ये तो गाड़ी के लोगों से पूछिए बोले कोसी गाड़ी वाले बदतमीज की कर रहे बोल के नहीं बोल रहे हैं। काले को भी मालूम है उनको भी मालूम है उम्र नहीं है जी। बस्ती में बोलते बस्ती में पूरे जने आते बस्ती में बोला बस्ती बोले तो पूरे आ जाते बस्ती में दुकान में पूछे कहीं शॉप में पूछे कहीं पूछे होटल में पूछे ठहरे हो पूरे बस्ती वाले ठहरे हुए। आप क्या कर रहे किसको वो तो मैं नहीं बोलता पड़ोसी थे हमारे क्या है लोगों की कार आए हैं वो हिसाब से करो क्या करना है। वो कौन है बच्ची वाले बुलाओ उनको टाइम को भिजाना है टाइम को बुलाओ इनके फादर ये साहब हेलो भाई अब चौथी नहीं कर नंबर मिला रहे ना जी है ऊपर है तीन जने भी चले गए चलो नीचे नीचे बुलाओ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं भी रिश्ता लगाती हूँ और एक एक जने भी रिश्ता लगाते। मैं बच्ची वालों की तरफ से हूँ, वो हनीफ भाई जी तो बच्चे वालों की तरफ से है। हनीफ भाई ग्रुप में डाले के सेकेंड मैरिज है, अर्जेंट है। ये लड़की के मुनासिब आपके पास रिश्ते है तो बतलाइए बोले तो उनका तीसरी मैरिज हो गया गते। ये चौथा मैरिज है जो मेरे को हनीफ भाई नहीं बोले। अगर हनीफ भाई मेरे को बोलते तो थर्ड मैरिज का भी मेरे करेंट ग्रुप है, मैं थर्ड मैरिज में डालती थी। अब हनीफ भाई यहाँ से भाग गए क्योंकि उन्होंने झूठ बोले ना, मेरे को बच्चे वाले बोले ना, मेरे को हनीफ भाई बोले। मेरे को हनीफ भाई बोले सिर्फ रिश्ता लगाना है, सेकंड मैरिज है बोले तो मैं सेकंड मैरिज का लगाई। मैं थोड़ा बहुत जैसा नॉर्मल मालूम करती मैं उस तरीके से नॉर्मल में मालूम करी तो बोले हाँ भाई सेकंड मैरिज है, आप नक्को लगाओ घर में। तो मैं बोली भाई अगर वजह क्या है मालूम होना ना हमारे को भी कि क्यों नक्को लगाओ, नहीं लगाए तो बेहतर है बोले। तो मैं फिर 2 से 2:30 बजे बच्ची वालों को फ़ोन करी, बाजी आप लोग सामान पहुंचा दिए क्या। हाँ तो मेरे को कुछ ऐसा सुनने में आया सब खैरियत है क्या, तो नहमा सब ठीक है, मैं सामान पहुंचा दी और लगा भी पहुंचा दिए। फिर उन्होंने मेरे को 5 बजे फ़ोन करे बच्ची वाले, जब तक भी नहीं मालूम हुआ कि इनका थर्ड मैरिज है। खाजी फोर्थ थर्ड हो गया,
थर्ड मैरिज हो गया उनका, फोर्थ हो रहा बोल के नहीं मालूम है, सेकंड मैरिज ही छोरा बोल के मालूम है। अब मालूम हुआ, कब मालूम हुआ कि ये बस्ती के लोग बच्चे वालों के घर के नहीं आके बच्ची वालों के बोले, ये बस्ती के लोग आप लोग मालूम नहीं करे थे। मैं मालूम करे तो सेकंड मैरिज ही छे बोल के मालूम हुआ, इतना ही हुआ। अब इससे ज्यादा और कोई भी मेरे को कुछ भी नहीं बोले। अब ये आज मालूम हुआ, एक घंटा पहले निकेश, एक घंटा पहले मालूम हुआ। तो मैं आज निकाह था और जब मैं बच्ची वालों को पूछी तो फिर 5 बजे मेरे को बच्ची वाले फोन करके बोले अम्मा लगा दुल्हन के कपड़े नहीं लेके आए। मैं फिर फोन करी हनीफ भाई को, हनीफ भाई बच्ची के कपड़े नहीं लेके आए, कहते 5 बजे ईशा में जे तो निकेह खानी है, तो लाड़ बाजार में कपड़े खरीदे वहां से जाके देखेंगे। लोग घर पे भी जाके देखे आ गए और ये लोग पहुंच गए 9 बजे, मेरे को पहुंचे थे 9:30 हुए। मैं गए थे कितना कंता हुआ और ये हनीफ बोलने वाला बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, कितने वाला क्या नाम है इसका, आतिक है लड़के का नाम। और जो यहाँ हसन नगर मदीना मस्जिद के पास बर्फ फैक्ट्री के पास के रहने वाले हैं। और ये बच्ची के साथ जैसा फ्रॉड हुआ, ये लोग फ्रॉड है, ये लोग झूठ बोल के औरत बच्चियों की जिंदगियां खराब करते हैं। ऐसे घर में कोई भी औरत बच्ची नहीं देना इनको, और इनके साथ खास से खास जितना हो सके उतना कार्रवाई करना चाहिए लोगों के ऊपर, कि आइंदा चल के कोई औरत बच्ची के साथ ये गलत नहीं होना। मैं काम करती हूँ सिर्फ औरत बच्ची के वास्ते काम करती, मैं पैसे के लिए काम नहीं करती। अगर मैं गलत होती तो हनीफ के ऐसा मैं यहाँ से भाग जाती थी, मैं यहाँ पर ठहरी हुई हूँ, इतने मर्दों में ठहर के बोल रही हूँ। मेरा नाम सफिया है।